नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज डकार आना, जिसे हम बेल्चिंग बोलते हैं। और ये देखा जाता है, ये दिक्कत बहुत ज्यादा लोगों को होती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमें डकार आनी शुरू हो जाती है। या हमने स्पाइसी खाना खा लिया, मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, या हमने ओवर ईटिंग कर ली, उसके कारण से हमें डकार आनी शुरू हो जाती है। और जब डकार आती है तो अपने को भी बुरा लगता है और दूसरा जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है उसको तो बहुत बुरा लगता ही है। कई बार बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं और जिनको डकार की दिक्कत होती है, देखा जाता है कि गैस बन जाती है और उनका पेट फूल जाता है। दोस्तों, बेल्चिंग या डकार आना कोई डिजीज नहीं है। ऐसा ना समझे कि ये कोई बीमारी हो गई है। जब ये डकार आती है तो बहुत तेज आवाज आती है और कुछ लोगों को इसमें स्मेल आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिसका डाइजेशन बहुत दिनों से खराब रहता है। उनको खाना पचता नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, यानी जब जो चाहा खाया, जैसे मर्जी सोए, जब चाहा सो गए, यानी कि कोई रूटीन वो फॉलो नहीं करते, कोई उनकी दिनचर्या नहीं है। चाय कॉफी जो लोग ज्यादा पीते हैं उनको देखा जाता है कि ये दिक्कत ज्यादातर होती है। या वह लोग जो बियर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ बबल्स अंदर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण से हमें डकार आनी शुरू हो जाती है। खाना गलत समय पर खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, यानी कि लंच उन्हें करना है, मान लीजिए 1 बजे 1:30 बजे के बीच में हम कहते हैं कि लंच कर लेना चाहिए, लेकिन वो कुछ कारणवश व्यस्तता के कारण से वो लंच ही मिस कर देते हैं, या वो देर से 3 बजे 4 बजे खाते हैं, उसके कारण से वो डिनर भी लेट करते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे डिनर करते हैं और खाना खाते के साथ सो जाते हैं, या जो खाना खाया उन्होंने उसके तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और उसके कारण से भी उनको डकार या बेल्चिंग की समस्या हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। या वह लोग जो तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, या नॉन वेज के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन हैवी मात्रा में होता है और वो आराम से डाइजेस्ट नहीं होता और उसके कारण से भी डकार आ जाती है। या वह लोग जो डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, या किसी बीमारी के लिए वो काफी लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी बेल्चिंग या डकार की समस्या हो जाती है। जिन लोगों को अल्सर होता है या एक वायरस होता है जिसे एच पायलोरी बोलते हैं, उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बेल्चिंग या डकार आने की समस्या उनको हो जाती है। या जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या काफी लंबे से उनका डाइजेशन प्रभावित चल रहा है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, या वह लोग जिनका वजन ज्यादा है, या ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, ये सब कारणों से उनको बेल्चिंग या डकार आने की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको डकार किसी भी कारण से आती है, आपकी एज चाहे कोई भी है, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आपकी एज 18 वर्ष है, आपकी एज 60 वर्ष है, तो आप विदाउट मेडिसिन इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम बेल्चिंग डकार आने के लिए ट्रीटमेंट। आइए, बेल्चिंग डकार आना, उसके लिए आज हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटा रहे और चेस्ट के अपर वाली साइड में हल्का सा हमें प्रेशर देना है, और लाइट प्रेशर। उसके बाद शोल्डर पर इस प्रकार से 6 सेकंड खड़े होने, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर उसी प्रकार से दोबारा हल्का सा प्रेशर, 6 सेकंड काउंट, 1 2 3 4 5 6, फिर उसी प्रकार से हल्का सा जर्क देना और यहां पर 6 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4th point ये दबाया, हल्का प्रेशर, उसके बाद 6 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 6th point, और यहां पर हमें 6 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमें 6 बार करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट बेल्चिंग डकार आने के लिए। आपको कितने दिन से भी डकार आती है, आप ये ट्रीटमेंट करेंगे आपको इमीडिएटली।
दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना डकार क्यों आती है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे हमें लक्षण नजर आते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बार बार हो जाती है, उसके लिए आपने एक छोटा सा ट्रीटमेंट सीखा, गजब का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कीजिए, परहेज सावधानी रखिए, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पफुल बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहेगा।